आशा कार्यकर्तियों ने आशा वाउचर की जगह मानदेय सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने सोमवार को सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में आशा कार्यकर्ती शांति देवी ने बताया कि दस्तक अभियान में आशाओं को 15 दिन की ड्यूटी पर लगाया गया है और केवल 100 रुपये दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारा कोई भी पैसा समय से नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि आशा वाउचर को छोड़कर हम लोगों का मानदेय फिक्स किया जाए। इस अवसर पर रीना उपाध्याय, मधु रावत, मीना यादव, संजू संध्या यादव, प्रतिमा, ललिता पांडे, संध्या सिंह, माया देवी सहित अन्य आशाएं बहुएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आशा वर्कर शांति देवी तथा सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, इस तरह का प्रदर्शन करके हम लोग अपने मानदेय के लिए मांग कर रहे हैं। ऊपर से चार प्रोग्राम एक साथ चलाया जा रहा है, उसका मात्र 100 रुपये 15 दिन का दिया जा रहा है। इसके वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का धरना प्रदर्शन करके काम नहीं कर पाएंगे। दस्तक अभियान है, दस्तक एक दिन का 7 रुपये दिया जा रहा है, 15 दिन का 100 रुपये दिया जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि ताकि हम लोग का मानदेय किया जाए, बाकी सब कोई भी चीज़ न दिया जाए, लेकिन मानदेय कर दिया जाए हम लोग का। मैं कुछ दिन पहले भी आशाओं से मिला था और सारी बातें जब क्लियर किया था तो वो लोग चले गए थे। इनसे भी हम बात कर लेंगे, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आया है वो ये है कि ये चाहते हैं कि इनका कोविड में जो कार्य कर रही हैं उसका जो भी मानदेय शासन ने 1000 रुपये प्रतिमा एक्स्ट्रा देने का रखा है, ये और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। बाकी ये मानदेय उनके खाते में नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने स्पेसिफिकली पिछली बार पूछा था कि क्या अप्रैल मई जून जुलाई से अभी तक आपके मानदेय 1000 जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कोविड वर्क के लिए, वो गया है कि नहीं। तो करीब करीब सभी के खातों में जा चुका है। वो मानदेय कम है, ये उनकी मांग है। ये स्कीम भारत सरकार की है, आशा की स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया था, भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सभी प्रांत, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, वो अपनी गाइडलाइंस, उनकी गाइडलाइन के अनुसार वो तय करता है। हमारा यूपी गवर्नमेंट भी नहीं तय कर सकता कि हम किस चीज़ का मानदेय कितना देंगे, क्योंकि धनराशि हमें भारत सरकार से ही मिलती है। तो ये हम इनकी बात, इनका मेमोरेंडम ले भी चुके हैं पहले जो आशाएं आई थी, और उसको हमने शासन को भेज दिया है। अब ये उच्च स्तर से शासन स्तर से निर्णय होना है, तो जब भी निर्णय होगा अवश्य दिया जाएगा। हमने बताया कि जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसी अनुसार धनराशि आवंटित होती है, हम वो भुगतान करते हैं। हमारी कमी तब होगी जब हम वो भुगतान टाइमली इनको ना दें, वो हमारे यहाँ रेगुलर हो रहा है। जो इनकी मांग है उसको हम ऊपर फॉरवर्ड कर दिए हैं और संस्तुति भी कर दिए हैं। इवन के जिलाधिकारी कमिश्नर साहब के सामने भी ये बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप संस्तुति करके भेज दीजिए, बाकी निर्णय शासन के स्तर पर।